तभी यह आर्थिक गतिविधि बनेगी। किसी की गाड़ी चल जाए, किसी की दुकान खुल जाए, किसी का व्यापार चल जाए, ये तो तभी संभव है जब आर्थिक गतिविधि आए। मैं तो यहां खाली हाथ नहीं आना चाहता था, बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके बीच में आया जाए। खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मैंने कहा मैं आपके बीच में आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा। आज इस सिंचाई योजना का मायने क्या है आपको समझना है। केवल सिंचाई का नहीं है, केवल पेयजल का नहीं है, जो ये 1100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, ये तो निवेश है। ये निवेश हमारे धार जिले में आ रहा है, ये कुक्षी में आ रहा है, हमारे दही में आ रहा है। इस निवेश से आर्थिक गतिविधि बनेगी, काम शुरू होगा। पानी तो आएगा बाद में, सिंचाई तो होगी बाद में, पेयजल का व्यवस्था होगी बाद में, पर कोई अपनी गाड़ी चला लेगा, कोई अपनी ट्रक लगा लेगा। सही बात है, ये निवेश आ रहा है, ये निवेश हम दे रहे हैं। सिंचाई होती रहेगी, पेयजल की समस्या हल होती रहेगी, पर कोई अपनी छोटी मोटी मरम्मत का काम शुरू कर लेगा, कोई अपनी दुकान लगा लेगा, कोई ना कोई काम शुरू कर लेगा। ये मायने समझने की आवश्यकता है, ये हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए ये निवेश धार जिले में आ रहा है। माताओं बहनों, आपको ये बात समझनी है। लोग सोचते हैं कि बड़ी योजना आ गई, पर बड़ी योजना का लाभ समझने की आवश्यकता है। इस निवेश से कितना परिवर्तन होगा हमारे धार की पहचान में, हमारे धार के चेहरे में। आज जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं तो नौजवान आपको कहूंगा इसका पूरा फायदा उठाइए, किसी की गाड़ी चलवाइए, काम करवाइए, विभिन्न काम करवाइए, किसी को मजदूरी मिल जाएगी, पलायन से बच जाएंगे, इसका ये अर्थ है। और ऐसी योजना, मैं केवल इसे दही सिंचाई योजना का नाम नहीं रखना चाहता, ये योजना हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी तांतिया भीम, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, उन्होंने संघर्ष किया। वो तो हमारे आदिवासी समाज के केवल हीरो नहीं है, वो तो हमारे सब हीरो है। हमने इस योजना का नाम तांतिया मामा सिंचाई योजना रखेंगे। ये हमारा फैसला है। और साथ साथ में अभी तो शुरुआत है। मैं घोषणा नहीं करता, मैंने कहा था जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, घोषणा नहीं करता, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबका पेट भर गया था घोषणाओं से। 15 साल शिवराज सिंह की घोषणाओं से थी, घोषणाओं से तो तालियां बज जाती है, सब भूल जाते हैं। शिवराज भी घर बैठ गए, क्योंकि इतनी 12-13-14 हजार घोषणाएं कर दी, हिसाब किताब नहीं देते। तो मैं घोषणा नहीं करता, इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो एक शुरुआत है। और भी योजनाएं हैं, हमारी